कैसा कैसा लग रहा है जब आपके कोई टीचर आपका रिश्तेदार निकल आए तो? मुझे अभी पता चला इसके फोपा जी हैं जी। कौन से सर जी? कौन से सर? सर कैसे उसके फोपा जी? थैंक यू सो मच। हमें नहीं पता कैसा लग रहा है आपको, कैसे लग रहे हैं? मस्ती का रहे हैं। ये जी माल रोड और ये जी माल मतलब समझ लो जी, यहाँ पे माल होता है और यहाँ पे पा माल होता है। यहाँ पर मैच हो रहा है जी और बड़े टाइम के बाद मुझे याद है कि ब्लॉग बनाना चाहिए और मैं आ चुका हूँ ब्लॉग बनाने। बड़े टाइम के बाद शाह जी ब्लॉग बन रहा है तो आप ऐसे ना करो कि ब्लॉग ना बनाओ। बड़े टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ जी। मैंने कहा जी इकट्ठे हुए भाई साहब और वीडियो में ये बात होनी चाहिए। नए फोन जी? नहीं बस ठीक है। अब करते हैं जी गेट को साइड पे। ये रही पारो। ये और ये क्लास माशाल्लाह जी। ये है जी यूनिवर्सिटी के हालात और हम एक क्लास लेकर आ चुके हैं जी ग्राउंड में। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और इन्होंने क्लास नहीं ली है। हमारी क्लास फेलो है। राजा जी माशाल्लाह से हमेशा की तरह खूबसूरत नजर आ रहे हैं। राजा जी जी सर, यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने को है तो आपने क्या सीखा? सीखा नहीं, सिखा के जा रहे हैं। सिखा के जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, आप सिखाने वालों में से इल्म लेके आए थे, इतना ज्यादा पार्ट सारे तोड़ दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलेंगे। मैं एक सीधी बात करूंगा जी, चार साल मैंने यहाँ पे खपा दी है। अच्छा। वो मिर्जा जी की तरफ देखो, कोई फायदा नहीं, उनका कोई भी इनमें फर्क नहीं आया। आज भी जेल में जगाने जाते हैं बारी, ठीक है? कौन है ये लोग? जहाँ तक मेरी बात है बाबा जी की तबलीग में चले, सोता भी नहीं सीखा। अच्छा अपने टीचर ने राजा साहब ने गुस्से में थे तो नमाज छोड़ दी, ऐपुर हो जाते हैं। चले जी हम चलते हैं जी नमाज पढ़ने। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये हम जा रहे हैं जी स्टूडेंट अफेयर ऑफिस। मिर्जा जी का थोड़ा सा काम था और फाउंडेशन खाली होती जा रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। वो देखो लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं। हमारी क्लास के लड़के खेल रहे हैं जी यहाँ पर मैच और ऊपर हो रही है क्लास। मैं इनकी वीडियो बनाने के लिए नीचे आया हूँ ताकि इन्हें पता चले क्लास हो रही है। ये थे मतलब के फारिग लोग हैं यहाँ पे। ये रहा कि हमारी क्लास, हमारा शीजा बाप वहाँ पर खड़ा है। ये देख ये हो रही है जी बहुत ये वाओ आउट हो चुकी आउट हो चुकी। मैं माइक ला के देता हूँ आपको। चलो बाप आगे सटो, बाप बाप आगे सटो। वीडियो ये देखे भाई मेरी बात सुनो, आखिरी सेमेस्टर हमारा आठवां, एक महीना रह गया और ये देखे लड़ रहे हैं। ये होते हैं चार सालों में। मैं एंट्रेंस नहीं करना चाह रहा हूँ। अजू जी माफ करो, मट्टी डालो नेट पे जी। आपको नहीं पता था अभी अजू जी को क्लियर हो जाएगा। सुनो अजू जी, मुझे मैंने आपको लॉबी में देखा है उस टाइम 4x4 ठीक है? तो ना अब मैंने कहा चार बंदे खेल रहे हैं, ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह। तीन घंटे की लड़ाई के बाद फाइनल हुआ कि हमें वाप खिला रहे थे खाना और वाप हमें लेके आ चुका है यहाँ पे होटल में। सही है, थैंक यू सो मच वाप का जो हमें खाने के लिए यहाँ पे ले देखे यार आ चुके हैं और हम खा लेते हैं जी दिन का खाना। तो यार देखो जैसे मेरे बाल बिखरे हैं ना इसी तरह मैं मुकम्मल तौर पर बिखरा हूँ और मेरा चैनल भी इसी तरह बिखरा है। अगर आप चाहती हो मुझे संवारना, मेरे चैनल को संवारना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बस थोड़ा सा कॉन्टेंट चेंज करने का मैंने सोच लिया है। बहुत ज़्यादा होगी जी मेरी एबसेंस, अब से एबसेंस नो। अब भाई तुम्हारा करेगा काम दोबारा से इंशाल्लाह, वही पुराना तरीका। कामयाबी नाकामी अल्लाह की देन है और काम मैं ना करूं भाई ऐसा हो नहीं सकता। बाकी अल्लाह हाफिज़।